अब मार्केट से आपको एक्सपेंसिव बेबी क्रीम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अच्छी बेबी क्रीम हम बनाएंगे घर में जो कि हमारी एग्जैक्ट स्किन टोन की भी होगी और वाटर रेजिस्टेंट भी होगी असलम जी आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बीबी क्रीम एट होम आई एम श्योर इट्स टू बी वेरी क्विकली जम्प इन टू वीडियो. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो पसंद आए तो डू गिवेट था अप हाँ जी तो बीबी क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक एम्टी कंटेनर जितनी क्वांटिटी में आपने बनानी है बेबी क्रीम मेरे पास ये मास्क का कंटेनर था मैंने उसको वॉश करके ड्राई कर लिया एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस बेबी क्रीम फॉर माई मदर

करने के बाद हम लेंगे मॉइस्चराइजर जो भी आप, अपने में यूज करते हो, वो आप कर सकते हो मैं इसमें तो आप क्वानिटी देख सकते हो कि मैंने सनस्क्रीन से थोड़ी सी कम रखी है इसकी क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मॉइस्चर ऐड कर दोगे तो आपकी बीबी क्रीम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी ज्यादा हाँ जी मॉइस्चराइजर ऐड करने के बाद हमारी है फाउंडेशन की आपके पास जो भी अवेलेबल फाउंडेशन आप ऐड कर सकते हो अगर आपको कवरेज ज्यादा चाहिए तो आप फुल कवरेज फाउंडेशन ऐड करो अगर आपको, कवरेज चाहिए तो आपको या कवरेज आपकी स्किन इवन आउट, का आउट भी हो जाए और आपकी स्किन पे ऐसा भी ना लगे की आपने कुछ लगाया है हाँ जी यहाँ मैंने फाउंडेशन ऐड कर दी है मैंने मेबीलिन सुपर स्टे फाउंडेशन ऐड की है जिसकी कवरेज फुल है और साथ में कर रही हूँ फोकेलर की स्किन अवेलेब

Revolution का ब्लशर और हाइलाइटर पैलेट है और उसके हाइलाइटर जो है वो एक तो बहुत ही मेरे फेवरेट है so मैं थोड़ा -थोड़ा सारे तो आप हाइलाइटर्स की क्वांटिटी ज्यादा रखोगे और अगर आपको ग्लो कम चाहिए तो आप हाइलाइटर्स की कम कर दोगे एज आई एम मेकिंग दिस फॉर माई मदर तो मैं जरा सा हाई की क्वान्टिटी कम रखूंगी की जो उनपे बिल्कुल नेचुरल लगे और बहुत ज्यादा ओवर भी ना लगे एज इट इज विंटर्स और विंटर्स में ग्लोइंग बीबी क्रीम और ग्लोइंग फाउंडेशन ज़्यादा अच्छी लगती है हाँ जी हाईलाइटर स्क्रैच करके मैंने ऐड कर दी है तो और आप कोशिश करो कि इनके जो चंक्स हैं वो ज्यादा बड़े ना हो बहुत बारीक पाउडर की फॉर्म में हो कि इनको मिक्स करना अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा हाँ जी तो इसके साथ हमारे बीबी क्रीम के इन्ग्रीडियंट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं अगर आप अपनी बीबी क्रीम को वाटर रेजिस्टेंट करना चाहते हो और इसको और ज्यादा कवरेज देना चाहते हो तो आप इसमें पैनकेक एड कर सकते हो और अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप इसमें लूज पाउडर्स या कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड कर सकते हो एज विंटर से तो आपको इतने ज्यादा पाउडर्स वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है और फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड कर रही हूँ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पैन और पाउडर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर दोनों ऐड करोगे थोड़ा थोड़ा क्योंकि मैं ये बेबी क्रीम अपनी मदर के लिए बना रही हूँ उनकी लेट फोर्टीज में एज है तो मैं इसमें ज्यादा पाउडर्स डाल के इसको ज्यादा मैट नहीं करूँगी क्योंकि डू और क्लोईसी बेस से उनकी स्किन ज्यादा फ्रेश और यंगर लुकिंग दिखेगी हाँ जी हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी क्योंकि मैंने फुल जार बनाना था सो so, उसी रेशो में मैंने सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी और ऐड कर ली हैं और इसके बाद हमने करनी है बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग ताकि सारे लिक्विड्स और पाउडर्स अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और कोई भी चंक्स और लम्स बाकी ना रहे हाँ जी सो वी आर डन विद मिक्सिंग और इसको हम साइड से क्लीन कर लेंगे अगर आपको कोई भी चीज कम या ज्यादा लगती है तो आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हो लाइक अगर आपको उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक लग रही है तो आप इसमें मॉइस्चराइजर ऐड कर लो थोड़ा सा अगर आप उसकी कंसिस्टेंसी पाउडर चाहिए तो आप थोड़ा सा पाउडर्स एड कर लो अगर आपको कवरेज और चाहिए तो आप इसमें फाउंडेशन ऐड कर लो आप अपने हिसाब आपसे इसको चेंज कर सकते हो नाउ इट इज टाइम टू स्वॉच आर बीबी क्रीम एंड एज यू कैन सी द कलर इज एक्जैक्टली माई स्किन टोन अगर आपको कवरेज ज्यादा चाहिए तो आप इसको ब्रश से अप्लाई कर लोगे अदरवाइज बीबी क्रीम को आई प्रो फॉर विद माई फिंगर्स जस्ट टू मेक इट मोर नेचुरल लुकिंग और मैं इसको अच्छे से फिंगर्स के साथ अप्लाई कर लूंगी ऑन माई होल हैंड एंड एज यू कैन सी द कवरेज इज ब्यूटिफुल येट वेरी वेरी नेचुरल बहुत ज्यादा केकी भी नहीं है और बिल्कुल जो है वो नेचुरल लुकिंग है और उसके साथ साथ आपकी स्किन को इवन आउट भी अच्छे से कर रही है और बिल्कुल भी मैट नहीं है द ग्लो इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इसको अगर चाहो तो आप पाउडर के साथ डस्ट ऑफ करके मजीद लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो सो यू सी बीबी क्रीम बनाना कितना आसान है एंड आई कैन गारंटी यू दिस वन इज इवन बेटर देन द मार्केट पॉट बीबी बीबीस सो गायस दैट वॉज इट फॉर द वीडियो आई होप यू लाइक इट आई होप इट वॉज हेल्पफुल इफ इट वॉज प्लीज गिव इट अ थम्स अप और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़